हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई हमारा मसल शेफ, जैसे पता है आपको, एक स्टार्टअप है जो हेल्थ फूड, डाइट फूड प्रोवाइड कराता है। सो उन्होंने ही हमको एक चैलेंज दे दिया कि सर आपके लिए एक चैलेंज है और वो है ये। सो इट्स अ 3 kg समथिंग पिज़्ज़ा, और इसके साथ उन्होंने हमको ये बताया है कि इसमें क्या क्या हमने डाला है। तो सोचा बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैलेंज है, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करो। मसल शेफ इज गिविंग यू अ स्मॉल चैलेंज, सो दिस इज अ 3 kg पिज़्ज़ा यू हैव टू ईट टू मेक दिस पिज़्ज़ा। वी हैव यूज्ड इसमें 12 अंडे, 12 एग वाइट्स, 200 ग्राम चिकन, 4 एग योक, 100 ग्राम ओट्स, 50 ग्राम सत्तू चने का आटा, 200 ग्राम वेजिटेबल्स, 10 ml ऑलिव ऑयल, 200 ग्राम पनीर लो फैट, 50 ग्राम ब्रेड क्रम्स एंड 20 ml मिल्क क्रीम। ये सबसे ये पिज़्ज़ा बना, बहुत हेल्दी पिज़्ज़ा है, बस साइज थोड़ा बड़ा है, यानी कि मेरी दिन भर का जो मैक्रोज है, प्रोटीन का, फैट के लिए, वो अकेले पिज़्ज़ा में कवर हो जाएंगे अगर मैं इसको खा लेता हूँ, जो कि मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरी एपेटाइट इतनी नहीं है कि मैं इसे खा पाऊँ। बट एक चैलेंज दिया है, तो सबसे पहले तो अपन इसका वेट करते हैं कि ये है कितना केजी का। ओके, सो ये वेट आ रहा है लगभग 3.1। कैमरामैन कितना है वेट? इट्स 3.133, यानी लगभग 3 kg 133 g का ये पिज़्ज़ा है। सो इसे खाना है अकेले, लेट्स स्टार्ट। वर्ल्ड का हेल्दीएस्ट पिज़्ज़ा होगा, क्योंकि यार देखो, कार्ब्स जो भी हैं फाइबर्स में, मैं फिर बता दूँ जो क्वांटिटी है वो इस बड़े पिज़्ज़ा के हिसाब से, अगर आप इसको मील के या डाइट के हिसाब से खाएंगे तो ये 50 carbs या 40 carbs में प्रिपेयर हो जाता है, और आपको लगभग 60 g प्रोटीन देता है, लगभग आपको 25 g फैट दे देता है ना, और एक पूरी हेल्दी, मतलब वर्ल्ड का सबसे हेल्दीएस्ट पिज़्ज़ा होगा और बहुत टेस्टी होता है। सो उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि ये कोई और खा नहीं सकते, 100 kg के हिसाब से मैं ट्राई करूंगा कि मैं खा पाऊँ। ये अच्छी बात है कि टाइम बाउंडेशन नहीं है, मैं कितनी देर में ख़त्म कर सकता हूँ, पर मेरी खाने की स्पीड अच्छी है, ख़त्म कर लूँगा इसको मैं 2-3 मिनट में। आप लोग बताना, कभी आपने ऐसा कोई चैलेंज दिया है? तो सबसे हैवी मील आपने क्या खाई है? ये एक ऐसी मील है, आपको क्रेविंग है, चीट मील करना है आपको, तो वो मैदे से बने हुए पिज़्ज़ा से तो बहुत बेटर है, आपकी क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी और कुछ भी नुकसान नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है कि आपको, आपके गोल्स को ख़राब करेगा, फिटनेस गोल्स को ख़राब करेगा। फाइनली आधा पिज़्ज़ा ख़त्म हुआ है, मजाक से हटके हालत ख़राब हो गई। और ये चैलेंज दिया भी क्यों है, बस सुनो आप, मैंने शेफ से मजाक में बोल दिया आपने कि तुम जो बनाओगे मैं खा सकता हूँ, तो उसने बोला ठीक है, मैं आपके लिए कल एक मील तैयार करूँगा, आप खा के दिखाना। मैं भूल गया था क्वान्टिटी बताना, उसने अच्छा हुआ 3 kg का बनाया। Let's see. मैंने इससे पहले एक बार बहुत बड़ा चैलेंज लिया था जब हम कॉलेज टाइम पे थे, वो चैलेंज था पानी पूरी का। इमेजिन करिए कितनी पानी पूरी आप खा सकते हो, आम मतलब कहते ना, कोई इंसान का बिरयानी लवर होता है, कोई ट्विस्टर बर्गर, मतलब आदत होती खाने की उन लोगों को, उसके बिना वो रह नहीं पाते। तो एक टाइम पे हम लोग कॉलेज टाइम में पानी पूरी चैलेंज करके आए थे, और मैं पानी पूरी के बिना रह नहीं पाता था एक टाइम पे। उस टाइम के अंदर मैंने 150 पानी पूरी खाई थी, तो एपेटाइट तो है अपनी अच्छी, ये भी खाई लेंगे। और दूसरी चीज़, जब आप खाते हो तो आपकी बॉडी बनती है, और ऐसे खाने से जब आपकी एपेटाइट बहुत अच्छी होती है तो आप इतना खा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपका एपेटाइट अच्छी है, आप डाइजेस्ट अच्छा कर लेते हो, तो बॉडी बनाना कोई इतना टफ खेल नहीं है, बस आपको खुराक बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मेरे शेफ ने मुझसे बोला था
अगर आप ये चैलेंज कम्प्लीट कर लेते हो तो इसे अपलोड ज़रूर करना। और मैंने सोचा था कि अगर मैं ये चैलेंज कम्प्लीट कर लूँगा तो ये वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा, नहीं कर पाया तो नहीं करूँगा। और ये फाइनल स्लाइस ये बहुत बड़ा था, पता नहीं कैमरे में दिख रहा हो या ना दिख रहा हो या कितना बड़ा दिख रहा हो, बट ये मेरे लिए इजी था क्योंकि मैं इससे पहले ऐसे चैलेंज कर चुका हूँ। मेरे शेफ़ को नहीं पता था, उनका लगा 3 kg पिज़्ज़ा कौन खाएगा। ओह स्लाइस लास्ट स्लाइस थ्री के जी पिज़्ज़ा इन हो ही मेरी डाइट, रात को कुछ नहीं खाना। सो मसल शेफ दीपक, आपका मैंने चैलेंज कंप्लीट करा, ऐसे ही और चैलेंज दो ताकि मुझे खाने को मिले ऐसा टेस्टी फूड। वैसे बहुत अच्छा था, सो यम्मी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।